हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिवील। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप अपना व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। देखो भाई, प्राइवेसी इतना मतलब आपका मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगे। देखो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये प्राइवेसी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज़ मानो आप किसी को मैसेज किए हो और आप नहीं चाहते कि आपका मैसेज कोई और पढ़े, लेकिन अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन को अपने दोस्त के हाथ दे के जा रहे हो तो वहीं पर क्या करता है, वो अपना आपका व्हाट्सएप को चेक कर लेता है और आपका व्हाट्सएप को अंदर में क्या मैसेजेस है वो पढ़ लेता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं कि आप फिंगरप्रिंट लॉक ही लगाइए, ठीक है। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो व्हाट्सएप है उसे अपडेट करना पड़ेगा। पूरा अपडेट कर दीजिए, मतलब लेटेस्ट वर्जन कर दीजिए व्हाट्सएप का। उसके बाद देखो, पुराने वर्जन में ये जो सेटिंग्स है, ये जो फीचर्स है वो नहीं था। अभी नया वर्सन में जब भी नया अपडेट हुआ है व्हाट्सअप, ये जो फीचर्स है ऐड हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सअप को अपडेट करने के बाद इसे ओपन कीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको प्राइवेसी के अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट लॉक है उसे एनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप अपना फिंगरप्रिंट लॉक, उसके बाद आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, पे क्लिक कीजिए, नहीं तो इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद बैक कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद बैक कर दीजिए। उसके बाद आप इसे ओपन कीजिए तो ये फिंगरप्रिंट मांगेगा। आप अगर अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पे देते हो तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमेशा सेटिंग को मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है उसे इमीडिएटली ही सेट करें, ठीक है, आफ्टर 1 मिनट नहीं, इमीडिएटली ही सेट करें, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय।